आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शीतलक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने स्नेहन के बारे में बताया था। हमारा जो पार्ट है वो स्नेहन व शीतलक ही चल रहा है, ठीक है। तो शीतलक के बारे में हम जानेंगे। शीतलक को हम कूलेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत सारी मशीनों में, कटिंग मशीनों में ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। जॉब पर कटिंग क्रिया करते समय बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी भी धातु से धातु को अगर हम काटते हैं, चाहे ड्रिलिंग क्रिया हो वो भी कटिंग करती है, या फिर लेद मशीन पर टर्निंग क्रिया हो, ड्रिलिंग क्रिया हो, बोरिंग क्रिया हो, ठीक है, या फिर स्लॉटर मशीन पर, या फिर मिलिंग मशीन पर, ठीक है, ये सब कटिंग मशीनें हैं। इनमें जब किसी धातु के, कठोर धातु के टूल से नरम धातु को काटा जाता है तो उनमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने से फिर बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होती है, ठीक है। तो वहाँ पर कूलेंट का प्रयोग करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो टूल का जो कटिंग पॉइंट है वो जल कर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमारा पार्ट्स भी खराब हो सकता है, जो पार्ट्स हम या जॉब बना रहे हैं। इस ऊष्मा को बहाकर ले जाने के लिए शीतलक प्रयोग किया जाता है। शीतलक क्या होता है? ये पानी में मिलाकर या अन्य पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, जो किसी कटते हुए जॉब पर गिरता है या काटने वाले टूल के पॉइंट पर गिरता रहता है लगातार, और वहाँ से गर्मी को अपने साथ बहाकर ले जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूँ शीतलक के प्रकार, कितने प्रकार से हम शीतलक दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है विलायक खनिज तेल। इसमें तेल में पानी मिलाकर पायसीकरण क्रिया करके बनाया जाता है, ठीक है, कौन सा? विलायक खनिज तेल। दूसरा प्रकार है इसका सीधा खनिज तेल। ये हल्का होता है, ठीक है, मशीनों को जंग से बचाता है, सीधा खनिज तेल। तीसरा नंबर है सीधा बसीय तेल। बसीय शब्द का मतलब होता है किसी भी बसा से बनाया गया, बसा होती है हमारी चर्बी। इसमें जानवरों की चर्बी प्रयोग करते हैं, ये शीतलन व स्नेहन में प्रयोग किया जाता है। चर्बी को शीतलक का भी काम करती है ये, और स्नेहन में भी प्रयोग की जाती है, लुब्रिकेशन में भी, ठीक है। और इसमें जैसे सबसे अच्छा जो चर्बी रहता है वो सुअर का रहता है, सुअर एक जानवर है, ठीक है, इसके अंदर जो बसा पाया जाता है वह शीतलन में प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर चार सल्फ्यूराइज्ड तेल। सल्फ्यूराइज्ड तेल, ठीक है, इसमें गंधक मिलाकर बनाते हैं। इसका प्रयोग कठिन क्रियाओं में किया जाता है, जैसे बहुत ही कठिन क्रियाएं की जा रही हैं वहां पर हम गंधक मिले हुए शीतलक का प्रयोग करें, ठीक है। पांचवा है मिश्रित तेल। मिश्रित का मतलब होता है मिलाकर बनाया गया, ठीक है, अन्य तेल मिले हुए होते हैं। इसमें खनिज तेल और बसीय दोनों को मिलाकर बनाते हैं, यह खराब कम होता है, ठीक है, इसका गुण जो है वो खराब कम होता है, ये फायदे वाला एक गुण इसके अंदर पाया जाता है, और इसकी कीमत भी कम होती है। मिश्रित तेल की जो है, या मिश्रित कूलेंट की हमारे कीमत कम होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको शीतलक के लाभ के बारे में बताता हूँ।
कि शीतलक प्रयोग करने से हमें क्या लाभ होते हैं, ठीक है, या मशीनों को क्या लाभ होंगे, कटिंग टूल को क्या लाभ होंगे, ठीक है। तो पहला दिया गया है, अधिक स्पीड पर प्रयोग करते हैं शीतलक को, अधिक स्पीड पर प्रयोग करते हैं तो अच्छी सतह प्राप्त करने के लिए, या अच्छी सतह प्राप्त करते हैं। अगर शीतलक का प्रयोग करते हैं तो अधिक स्पीड पर भी हम अच्छी सतह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, इससे औजारों का जीवन काल बढ़ जाता है, ठीक है, और जंग से बचाता है। शीतलक जो है औजारों का जीवन काल भी बढ़ा देता है और जंग से बचाता है। नंबर तीन, शीतलक का प्रयोग औजारों पर धार लगाते समय भी किया जाता है, ठीक है। धार लगाते समय, धार लगाने का कार्य तो देखा ही होगा आपने, कैंची चाकू इत्यादि पर धार लगाते हुए देखा होगा। और ये आग लगने से भी बचाता है, शीतलक गर्म होकर किसी भी जॉब में या टूल में आग लग सकती है या मशीन में, तो उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये एक लाभ है इसका। अगला है, कई शीतलक, यानी कई एक ऐसे शीतलक हैं, कूलेंट हैं, जो स्नेहन का भी कार्य करते हैं। स्नेहन को बोलेंगे लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का भी कार्य करते हैं, ठीक है। इसके प्रयोग से घर्षण भी कम होता है। अगर हम शीतलक प्रयोग कर रहे हैं तो दो पार्टों में घर्षण कम होगा, ठीक है। अगला है पांचवा नंबर, मशीनों को संक्षारण से बचाता है। संक्षारण मतलब उनको गलने से या ख़त्म होने से, ठीक है, या जंग लगने से, ये सब संक्षारण में आ जाता है, तो इन चीज़ों से बचाता है, ठीक है।